हाय दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस को कवर करेंगे। ब्रेटन वुड्स सिस्टम के दो मेजर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे पॉपुलरली वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, और दूसरा इंस्टीट्यूशंस इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। 1944 में यूनाइटेड नेशंस मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस होती है। ये कॉन्फ्रेंस न्यू हैम्पशायर ब्रेटन वुड्स, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, वहां होती है। कॉन्फ्रेंस को 44 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स अटेंड करते हैं। कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड वॉर टू के समय पर होती है। कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू का इंटरनेशनल इकोनॉमिक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर तैयार करना होता है। वर्ल्ड वॉर टू फाइट करने वाली जितनी भी मेजर कंट्रीज होती हैं, उनके इकोनॉमिक रिसोर्सेस बहुत बुरी तरीके से वॉर की वजह से ड्रेन हो जाते हैं। खासकर जो यूरोपियन कंट्रीज होती हैं, उनमें बहुत ही ज्यादा सीरियस डिस्ट्रक्शन होता है और वो बहुत ही सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रही होती हैं। और इसी को चलते यूरोपियन कंट्रीज को एक एक्सटर्नल मॉनिटरी और फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत होती है। इसी बैकग्राउंड में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में दो नए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का एस्टैब्लिशमेंट होता है। पहला इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दूसरा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कॉन्फ्रेंस को ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो न्यू हैम्पशायर ब्रेटन वुड्स यूएस में हुई थी। अब एक एक करके हम ये दोनों इंस्टीट्यूशंस को डिटेल में कवर करेंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एस्टैब्लिशमेंट 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में हुआ था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। 190 कंट्रीज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मेंबर्स हैं। आईएमएफ का मेन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड का फाइनेंशियल इकोनॉमिक बैलेंस बनाए रखना है, वर्ल्ड को मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाना है। फॉर्मली आईएमएफ के कुछ प्राइमरी एम्स हैं, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, करेंसी एक्सचेंज स्टेबिलिटी मेंटेन करना, और मेंबर कंट्रीज को बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से बचाना। प्रोमिनेंट स्कॉलर्स का कहना है कि वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सारे नियो कॉलोनियल इंस्टीट्यूशंस हैं, और ये इंस्टीट्यूशन सिर्फ नाम के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं क्योंकि वो सिर्फ वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज के इंटरेस्ट को सर्व करते हैं। इस क्लेम में आपको बहुत सच्चाई दिखेगी और ये आपको आईएमएफ के स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शनिंग में क्लियरली दिखेगा। आईएमएफ एक कोटा बेस्ड इंस्टीट्यूशन है। कोटा का आईएमएफ में बहुत ही सेंट्रल रोल है। कोटा मेंबर कंट्रीज की वोटिंग पावर्स, आईएमएफ से कितनी फंडिंग, आईएमएफ से कितनी हेल्प एक मेंबर कंट्री ले सकती है, ये सारी चीजें कोटा डिसाइड करता है। कोटा मेंबर कंट्री की इकोनॉमी से डायरेक्टली रिलेटेड है। कोटा को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आप अज्यूम करो कि दो कंट्रीज आईएमएफ की मेंबर्स हैं। फर्स्ट है यूएस और दूसरी कोई पुअर अफ्रीकन कंट्री। आईएमएफ में एक कंट्री का कितना कोटा होगा वो उस कंट्री की इकोनॉमी के साइज पर डिपेंड करता है। तो यूएस की इकोनॉमी वर्ल्ड में सबसे बड़ी इकोनॉमी है। सालाना यूएस की जीडीपी 20 ट्रिलियन के आसपास है। और कोई पुअर अफ्रीकन कंट्री जिसकी इकोनॉमी वर्ल्ड में सबसे छोटी है, तो ऑटोमेटिकली आईएमएफ में यूएस का कोटा सबसे बड़ा होगा और वो जो पुअर कंट्री है उसका आईएमएफ में कोटा सबसे कम, क्योंकि कोटा ही आईएमएफ में वोटिंग पावर्स को डिसाइड करता है। तो जिसका सबसे ज्यादा कोटा होगा उसी के पास सबसे ज्यादा वोट होंगे। आप इस चार्ट में देखो, यहां पे कुछ प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं, उनका कोटा इस चार्ट में डिपिक्ट हो रहा है। तो जैसे अगर आप यूएस का कोटा आईएमएफ में देखते हैं, तो यूएस के पास 17.44% ऑफ द टोटल कोटा है। और आप युगांडा, जो कि एक पुअर कंट्री है, कंपैरेटिवली बहुत ही पुअर कंट्री है, उसका आप कोटा यहाँ पे देखोगे तो उसके पास 1% भी कोटा नहीं है, कोटा वोट 1% भी नहीं है। आईएमएफ की इस फंक्शनिंग की वजह से ये जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं, ये आईएमएफ की फंक्शनिंग को डोमिनेट कर पाती हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आईएमएफ की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। आईएमएफ की मेंबर कंट्रीज अपने अपने गवर्नर्स को अपॉइंट करती हैं, जो बोर्ड में उनको रिप्रेजेंट करता है। जनरली वो कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर या फिर सेंट्रल बैंक का जो गवर्नर है वो होता है। बोर्ड की साल में एक बार एक मीटिंग होती है। आईएमएफ की सारी पावर्स इस बोर्ड ऑफ गवर्नर के पास होती हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में हर कंट्री के पास इक्वल वोटिंग पावर्स नहीं होती। ये बोर्ड एक डेमोक्रेटिक मैकेनिज्म नहीं है,
यहाँ पे वोटिंग पावर्स कंट्री के कोटा और वर्ल्ड इकोनॉमी में उसके साइज पर बेस्ड होती हैं। इसीलिए जो पावरफुल इकोनॉमीज है जैसे यूएस, वेस्टर्न इकोनॉमीज, चाइना, आईएमएफ के डिसीजंस को आराम से मैनिपुलेट कर सकती हैं, क्योंकि वो अपने हिसाब से बोर्ड में कोई भी प्रपोजल को पास करवा सकती हैं। आईएमएफ अपना खुद का एक इंटरनेशनल रिजर्व असेट इशू करता है जिसे एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स कहते हैं। एसडीआर को 1969 में क्रिएट किया था। ये ध्यान रखना है कि एसडीआर एक करेंसी नहीं है जैसे कि इंडियन रुपी या फिर यूएस डॉलर है। एसडीआर की जो वैल्यू है वो वर्ल्ड की 5 प्रोमिनेंट इकोनॉमीज की करेंसी पर बेस्ड होती है, जो है यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज रेनमिनबी या फिर युआन, जापानीज येन और ब्रिटिश पाउंड। एसडीआर को क्रिएट करने के दो पर्पस और दो उसके एडवांटेज हैं। पहला कि अगर किसी कंट्री के पास एसडीआर है तो वो उस कंट्री उस एसडीआर के एक्सचेंज में करेंसीज ले सकती है, उस वो कंट्री एसडीआर को करेंसी से एक्सचेंज कर सकती है। दूसरा, मेंबर कंट्रीज को आईएमएफ में जो मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन, जो रिजर्व्स मेंटेन करने हैं, वो आप एसडीआर से सप्लीमेंट कर सकते हो। कुछ रिजर्व्स को आप एसडीआर के फॉर्म में मेंटेन कर सकते हो। आईएमएफ मेंबर कंट्रीज और ग्लोबल इकोनॉमी फाइनेंशियल पॉलिसीज को मॉनिटर करता है और इस फॉर्मल मॉनिटरिंग प्रोसेस को सर्विलियंस बोलते हैं। अगर कोई आईएमएफ की मेंबर कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्राइसिस फेस कर रही है तो आईएमएफ उसकी हेल्प करता है, पर यह हेल्प बहुत सारी कंडीशंस के साथ आती है। आईएमएफ इंपॉर्टेंट स्टडीज पब्लिश करता है जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और फिस्कल मॉनिटर। दोस्तों, अब हम समझते हैं वर्ल्ड बैंक को। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का एस्टैब्लिशमेंट 1944 में होता है। इसी इंस्टीट्यूशन को बाद में वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएस में होता है। दोस्तों, आज वर्ल्ड बैंक एक ह्यूज ग्रुप बन गया है जिसमें 5 बॉडीज हैं। ये 5 बॉडीज अलग अलग टाइम पर अलग अलग पर्पस के लिए इस्टेब्लिश हुई हैं। ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में सिर्फ IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को क्रिएट किया था, पर ग्रेजुअली वर्ल्ड बैंक इवॉल्व होकर एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप बन गया है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 बॉडीज हैं। पहली इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दूसरी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, तीसरी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, फोर्थ बॉडी है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, फिफ्थ बॉडी है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप में एक डिफरेंस है। वर्ल्ड बैंक 2 ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को मिलकर जो बॉडी बनती है उसे वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, और वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको कंबाइन करके बनता है उसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहते हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के हर ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग फंक्शंस हैं, अब उन्हें समझते हैं। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का प्राइमरी एम वर्ल्ड वॉर 2 के से जो डेवेस्टेटेड कंट्रीज थी उनको रीबिल्ड करना था, प्राइमरीली जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको रीबिल्ड करना था। बाद में इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का फोकस और उसका प्राइमरी गोल शिफ्ट हो जाता है और अब वो पुअर कंट्रीज में डेवलपमेंट वर्क को सपोर्ट करता है। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन डेवलपिंग कंट्रीज में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करता है। थर्ड बॉडी है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन डेवलपिंग कंट्रीज को इजी टर्म्स पर लोन, बहुत कम इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करता है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के लोन डेवलपमेंट वर्क के लिए होते हैं। IDA और IBRD का रोल ब्रॉडली सेम है, और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन में एक मेजर डिफरेंस है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन सिर्फ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट बेस्ड होता है, IFC बस उसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन प्रॉफिट नहीं देखता, वो हंगर, पॉवर्टी जैसे चैलेंजेस को टैकल करने के लिए जो सपोर्ट है वो डेवलपिंग कंट्रीज को प्रोवाइड करता है। फोर्थ बॉडी है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ये एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है। फिफ्थ और लास्ट बॉडी है MIGA, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी।
कोई भी इन्वेस्टर ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करेगा जो वॉर टेररिज्म फेस कर रही हो। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से सीरिया अफगानिस्तान जैसी जो कंट्रीज जहां पे सिविल वॉर चल रहे हैं वो हमेशा के लिए अंडर डेवलप्ड रह सकती हैं। मीगा ऐसी वॉर टेररिज्म फेस करने वाली जो कंट्रीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है। मीगा वॉर और टेररिज्म जैसी नॉन कॉमर्शियल रिस्क के अगेंस्ट इन्वेस्टर्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है और जिससे ऐसी नॉन पीसफुल अनस्टेबल कंट्रीज में भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो सके। 189 कंट्रीज अभी वर्ल्ड बैंक की मेंबर्स हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के हर ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप का अलग अलग क्राइटेरिया है। इंडिया IBRD, IDA, IFC और मीगा की मेंबर है पर ICSID जो एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है इंडिया उसका मेंबर नहीं है। IBRD का मेंबर बनने के लिए उस कंट्री को पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेंबर होना जरूरी है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की जो दूसरी बॉडीज हैं उनमें जो मेंबरशिप है वो IBRD की मेंबरशिप पर डिपेंड करती है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मेंबर कंट्रीज को वर्ल्ड बैंक में रिप्रेजेंटेशंस बोर्ड ऑफ गवर्नर के थ्रू मिलता है। हर कंट्री अपना अपना गवर्नर अपॉइंट करती है। जनरली ये जो कंट्री का गवर्नर होता है वो कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर या उस कंट्री का सेंट्रल बैंक का गवर्नर वो होता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर वर्ल्ड बैंक की सबसे पावरफुल बॉडी है। बैंक की सारी पावर्स बोर्ड ऑफ गवर्नर के पास होती हैं, जैसे कि मेंबर्स को सस्पेंड करना या फिर बैंक के लॉस को अमेंड करना। बोर्ड की वोटिंग कैसे होती है ये जानना भी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड की जो वोटिंग होती है उसमें हर कंट्री के पास वोटिंग पावर उसके वर्ल्ड बैंक के सब्सक्रिप्शन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करती है। मतलब जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड बैंक में किया है उतनी ही वोटिंग पावर उस कंट्री को मिलेगी। IMF की तरह ही वर्ल्ड बैंक भी एक हिरार्कियल इंस्टीट्यूशन है और एक नियो कॉलोनियल बॉडी है जिसमें पावरफुल कंट्रीज डोमिनेट करती हैं। तो जैसे वर्ल्ड बैंक में जिस कंट्री ने सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन कैपिटल उसका उसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा उसी कंट्री के पास सबसे ज्यादा वोटिंग पावर्स होंगी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में, और उसी मैकेनिज्म की वजह से वो वर्ल्ड बैंक के जो मेजर डिसीजंस हैं वो उनको इन्फ्लुएंस कर सकती है, उनको मैनिपुलेट कर सकती है। दोस्तों पांच इंपॉर्टेंट बॉडीज हमने ये दो वीडियोस में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्ट वन और पार्ट टू में कवर करी हैं। अब यहां पे उनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनकी जो फाउंडिंग ट्रीटीज हैं उनका एक क्विक रीकैप कर लेते हैं। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस 1919 से लीग्स ऑफ नेशन का फाउंडेशन होता है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स 1919 से लीग ऑफ नेशन फॉर्मली इस्टेब्लिश हो जाती है। डुम्बार्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस ऑफ 1944 में पहला रोड मैप प्रिपेयर होता है यूनाइटेड नेशंस का। सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस 1945 में यूनाइटेड नेशंस फॉर्मली इस्टेब्लिश हो जाता है। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 से दो इंपॉर्टेंट बॉडीज जिन्हें ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट या वर्ल्ड बैंक, वो क्रिएट होते हैं। रोम स्टैट्यू 1998 से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।